आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं आज 12th क्लास के लिए कंप्यूटर साइंस जिन बच्चों ने लिया है उनके लिए कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर टॉपिक पर एक वर्कशीट। ये वर्कशीट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इन वर्कशीट को करते हैं तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपके नंबर बढ़ने की संभावनाएँ बहुत बढ़ जाती हैं। आज हमारी जो वर्कशीट है वो बेस्ड है टॉपिक कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के ऊपर। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो ये मेरा वीडियो है ये केवल वर्कशीट्स के लिए है, और अगर आप ये वर्कशीट डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए हुए लिंक पर जाकर इस वर्कशीट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे जो मैं इंपॉर्टेंट नोट इसमें लिखता हूँ कि जब भी आप एक वर्कशीट को करें तो आप ये ना समझें कि रफ काम कर रहे हैं, आप इसको फाइनल की तरह करें जैसे कि आप फाइनल एग्ज़ाम में लिखने वाले हैं। इससे आपको जैसा आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही फाइनल एग्ज़ाम में आप लिखते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक दिन के अंदर अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकता है। दूसरी चीज़ कि जब भी आप मेरी इस वर्कशीट को सॉल्व करें तो कुछ पॉइंट्स को आप पढ़ें पहले बुक से तब सॉल्व करें, या बुक सामने रख के आप सॉल्व करें, एक और दो बार उसको पढ़ लें और फिर आप इसको लिखें। आप इस वर्कशीट में, मेरा एक और आपको सलाह है मेरी, कि आप ये ना समझें कि ये क्वेश्चन मेरे से बन जाता है या मैं इसको लिख लूँगा। आप वस्तुतः उसको लिख कर देखें, और यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे नीचे दिए हुए जगह पर कमेंट करें, और अगर कोई आप पूछना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये वर्कशीट को सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, तब तक आप उस समय देख सकते हैं कि आपने जो सॉल्व किया है या जिस तरह से फ्रेम किया है क्वेश्चंस को और जो मैंने फ्रेम किया है उसमें किस तरह से अंतर आ रहा है। तो आइए देखते हैं कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर जो आपकी वर्कशीट है इसमें आपको कहाँ पर क्या और कितना पढ़ना है और इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इस टॉपिक को बुक में करना है कि क्लास क्या आप लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हैं और इसका एक एग्जाम्पल आपको लिखना है। डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, किसी क्लास में डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को आप बनाकर भी देखिए और उनकी आप डेफिनेशंस को रीड करिए। आप इनहेरिटेंस क्या होता है, उसके क्या टाइप्स हैं इनहेरिटेंस के, कितने टाइप्स के होते हैं और उसको कैसे डिफाइन करते हैं आप ये देखिए। फिर है विजिबिलिटी मोड, विजिबिलिटी मोड क्या होता है, पब्लिक विजिबिलिटी मोड क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है। यदि हम पब्लिक विजिबिलिटी मोड रखते हैं तो डेटा मेंबर्स किस तरह से बिहेव करते हैं आपके बेस क्लास से डिराइव क्लास में, प्रोटेक्टेड मोड में कैसे बिहेव करते हैं, प्राइवेट मोड में कैसे बिहेव करते हैं, इन सबको देखने के लिए आपको विजिबिलिटी मोड की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। फिर कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं और कंस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन किया जाता है और कैसे आपको पता लगेगा कि कंस्ट्रक्टर है। आने वाले वीडियोस में भी टॉपिक्स आपको टीचिंग मटेरियल भी प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि आपके टॉपिक्स अभी तक स्कूल में या आपके समय में कंप्लीट हो गए होंगे तो आप इनको कोशिश करें, तब आपका इम्प्रूवमेंट होगा जब मैं इसको कराऊँगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन CBSE एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप कॉपी कंस्ट्रक्टर के जो टॉपिक हैं उसको आप इम्पोर्टेंट समझें, उसको छोड़े ना। तो आइए देखते हैं कि जब भी हम कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, ये मैंने चैप्टर का नाम दिया है, इसमें इनहेरिटेंस भी जुड़ा हुआ है, को कैसे सॉल्व करते हैं या क्या आपको जानना है। सबसे पहले मैंने आपसे पूछा है कि इस वर्कशीट में कि कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं। जो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है आपके टिप्स में होना चाहिए कि ये टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं, और इसमें बेस क्लास कितनी होती हैं, डिराइव क्लास कितनी होती हैं, इसकी जानकारी भी आपको होना आवश्यक है। तो सबसे पहले तो आप इस इनहेरिट टॉपिक से इस टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस को कर लें। फिर जब आप इस टॉपिक को कर लेंगे तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपको अपने आप ही बन जाएगा कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या डिफरेंस है, और दूसरी चीज़ आपको कोई भी दो टाइप के इनहेरिटेंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये भी आपको पता चल जाएगा। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दिस, आपको प्रैक्टिकल में भी ये क्वेश्चन आपसे एक्सटर्नल पूछता है व्हाट इज दिस, तो दिस इज अ पॉइंटर। दिस क्या है, एक पॉइंटर है, और ये पॉइंटर क्या काम करता है आप इसको देखें, और बुक में दिया हुआ है, और नहीं तो आप इंटरनेट की भी मदद ले सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मैंने आपको उसमें जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है कि दिस पॉइंटर क्या है और उसको समझाने के लिए आप एक एग्जाम्पल लिखें। फिर आपने देखा होगा कि फीचर्स ऑफ इनहेरिटेंस में भी मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए हैं आपको, जो 3 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन CBSE में आता है वो इन्हीं सब टॉपिक्स में से कवर किया जाता है। तो आप डेटा इनकैप्सुलेशन, डेटा हेडिंग के बारे में और क्या समझते हैं और ये क्या होता है, क्या दोनों एक ही हैं, क्या दोनों में कोई डिफरेंस है,
ये आप लिखें, और अगर क्लास का एग्जाम्पल लेके लिखेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर हो जाएगा। फिर कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, छोटा छोटा कोड लिखें आप इसको समझाने के लिए। तो आप जब कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को समझ पाएंगे, इसको रीडिंग लगा लेंगे, तो आपके लिए आंसर फ्रेम करना आसान हो जाएगा। ट्रांजिटिव नेचर ऑफ इनहेरिटेंस, ये 11th क्लास में ही जनरली हम पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। इनहेरिटेंस में आपको और अच्छे से समझ में आ जाता है। विजिबिलिटी मोड मैंने ऊपर भी दिया था कि आप विजिबिलिटी मोड पढ़ें। CBSE हर दूसरे या तीसरे साल 3 मार्क का एक क्वेश्चन देती है विजिबिलिटी मोड के ऊपर, तो आप विजिबिलिटी मोड का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको किसी भी हालत में छोड़े ना। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है और उसको डिफाइन कैसे किया जाता है, यदि आप केवल एग्जाम्पल जो दिए होते हैं बुक में अगर आप उनको भी कर लेंगे तो आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में जानकारी लग जाएगी। फिर पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, जैसे मैंने आपको ऊपर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि डेटा एनकैप्सुलेशन और डेटा हाइडिंग क्या होता है, ऐसे ही अगर आप तीसरा आप ये देखेंगे फीचर में तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, आप जो C++ के ऊप के फीचर्स हैं आप सभी फीचर्स को 12th क्लास में एग्जाम के पहले रिवाइज जरूर कर लें। फिर जब आप इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो आपको बेस क्लास क्या होती है, डिराइव क्लास क्या होती है, और तीनों विजिबिलिटी मोड पता चल जाएंगे, तो आपको एक्सेस स्पेसिफायर्स को भी डिफाइन करना आसान हो जाएगा। आप इस वर्कशीट को लिख के देखें, मेरा बार बार आपसे अनुरोध है कि इसको प्रैक्टिस करें, और आप अभी प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम के समय आपको इसको हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। पूरी मोटी बुक पढ़ने से आपको उतना लाभ नहीं होगा जितना मेरी इस वर्कशीट को करने से होगा। फिर मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो मेरी वर्कशीट है वो मैक्सिमम 2 पेजेस की है, 2 पेजेस से ज़्यादा मैंने किसी वर्कशीट को नहीं बनाया है। तो अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन देखते हैं, और CBSE बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपसे फाइनल एग्जाम में पूछने वाला है, और आपको इस तरह का एक कोड CBSE एग्जाम में आएगा, और 2 क्वेश्चन रहेंगे 1-1 मार्क के। लेकिन अगर आपको उसको क्वेश्चंस को करते हैं तो आप इन 7 में से 2 मार्क के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। तो आप जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर लिया हुआ है क्लास मैमल, अब इसके अंदर एक मेंबर फंक्शन यहाँ पर है मैमल, यहाँ पर भी है मैमल, यहाँ पर भी है मैमल, क्या ये तीनों एक से हैं या आपको इसमें कुछ अंतर दिखाई देता है, आप इस बात पे जरूर, जब आप ये तीनों फंक्शंस के बारे में अंतर समझ जाएंगे तो आप बता पाएंगे कि फंक्शन 1 क्या है, फंक्शन 2 क्या है, फंक्शन 1 और 2 किस तरह से है, फंक्शन 1 कब एग्जीक्यूट होगा, फंक्शन 2 कब एग्जीक्यूट होगा, और इस तरह का क्वेश्चन आपको बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है CBSE एग्जाम में, तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए। सेकंड क्वेश्चन में आपको जो बताना जा रहा हूँ वो भी जैसा मैंने आपको अभी फंक्शन बताया उसी की तरह है कि आपको एक क्लास होगी और उसी नाम के फंक्शंस मिलेंगे, लेकिन अगर आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर बन जाएगा। आप देखिए कि एक फंक्शन सिंपल है, एक फंक्शन पैरामीटराइज्ड है, और एक फंक्शन में यहाँ पर एक टिल्ड का साइन लगा हुआ है, आप इसको ज़रूर पढ़ें। जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आने वाले वीडियोस में मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दूंगा और इन टॉपिक्स को कवर भी कराऊंगा, लेकिन आप मेरे मैं ऐसा समझता हूँ कि आप रिटर्न वर्क जरूर करें, क्योंकि देखिए आपको जो क्वेश्चन आने वाला है फंक्शन 4 क्या है, यहाँ पर यदि फंक्शन 4 में आपको बताऊँ तो ये एक डिस्ट्रक्टर है क्योंकि यहाँ पर आपको टिल्ड का साइन लगा हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो बहुत ईजी हैं, जब हम इसको पढ़ेंगे तो आप इसमें खुद ही देखेंगे कि आपको ये क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन वर्कशीट्स को अपने लेवल पर सॉल्व करें, नहीं बनने पर आप मुझसे कमेंट लाइन में पूछ सकते हैं जहां पर मैं आपको सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। अब मेरा जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसको आप देखें, यहां पर भी क्लास का नाम एस नेम है, यहां पर मैंने एक फंक्शन भी दिया हुआ है एस नेम का, दूसरा फंक्शन भी दिया हुआ है, तीसरा फंक्शन भी दिया हुआ है, तो आप यहां पर ये देखें कि जो मेरे क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है, और इसमें कंस्ट्रक्टर कहाँ है, कॉपी कंस्ट्रक्टर कहाँ है, डिस्ट्रक्टर कहाँ है। अगर आपको कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की डेफिनेशन पता होगी, ये कैसे बनाए जा सकते हैं ये पता होगा, तो CBSE के 2 मार्क के क्वेश्चंस आप ज़रूर से सॉल्व कर पाएंगे इस तरह से जो भी आपको पूछे जा रहे हैं। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप CBSE में कम पढ़कर ज़्यादा मार्क्स ला पाएँ, उसके लिए मैंने बहुत ही मेहनत से ये वर्कशीट प्रिपेयर की हुई है। आपको किन टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं, उन टॉपिक से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको किन चीज़ों का रिवीजन करना है, और ये क्वेश्चंस आपको 3 मार्क के, 2 मार्क के, 1 मार्क के, तीनों क्वेश्चंस हैं,
और यहाँ पर इस तरह से जो कोड दे के क्वेश्चन है ये 2 क्वेश्चंस आएंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि केवल 2 ही क्वेश्चन आएंगे, तो आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि आप बुक ना पढ़ें, लेकिन आप बुक को भी पढ़ें और इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें तो आपको आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी के लिए काफ़ी कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। और CBSE के जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आपको सैम्पल पेपर में भी मिल रहे हैं। पिछले 5 सालों के क्वेश्चन देखेंगे उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो जब हम पढ़ेंगे तो इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ये ज़रूर से क्वेश्चंस बन रहे हैं और आपको उस समय कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा कि आप बहुत ही अच्छे नंबर क्लास 12th में कंप्यूटर साइंस में ला पाएंगे। और आपने ये वीडियो देखा, आपको कैसा लगा, ये वर्कशीट कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। और आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नीचे रेड कलर से इस तरह का सब्सक्राइब का बटन है, आप उसको प्रेस करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि जब मैं इसको सॉल्व करूं या आगे की वर्कशीट दूं तो आपको ऑटोमेटिक इस वर्कशीट के बारे में पता चल जाए। और सब्सक्राइब करने से आपको मेरे कंप्यूटर साइंस क्लास 12 से रिलेटेड आगे के भी वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।